नमस्कार, जय धन्वंतरी। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, वो है छाछ यानी कि तक्र। सबसे पहले तक्र का वर्णन, छाछ का वर्णन तो ऐसे वेदों में है, उसके बाद आयुर्वेद की संहिता में विस्तृत रूप से उसका वर्णन दिया गया है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो लौकिक में एक कही जाती हो और आयुर्वेद में उल्टी कही जाती हो। ज्यादातर ऋतु, कहावतें और सब कुछ ऐसे ही है जैसे कि आयुर्वेद की उक्तियों में या वेदों में है। केवल एक दो चीजें बीजों में ऐसा होता है जो लोग कुछ और मानता है और आयुर्वेद कुछ और कहता है। लोग का मानना अपनी अपनी जगह पर सही होता है, आयुर्वेद का कहना एक विशिष्ट दृष्टिकोण से होता है। ऐसा ही तक्र के बारे में है। छाछ ज्यादातर लोग गर्मियों में देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि छाछ ठंडी नहीं अपितु गर्म है। उसको पचने के बाद कुछ विशेषता है कि वो ठंडी जैसी लगती है। बाहर के उपयोग में वो अवश्य ठंडक देती है, लेकिन आंतरिक गुण उसका देखे तो रस के अनुसार वो 100 में से 80 मायने में वो अम्ल यानी कि वो गर्म हो जाती है, उष्ण हो जाती है। तो उसकी थोड़ी डिटेल हम आज प्रस्तुत करेंगे। अभी की ऋतु शरद ऋतु है। शरद ऋतु में गर्मी बढ़ती है, पित्त का प्रकोप होता है, शरदी पित्तम प्रकोप, और उस अवस्था में छाछ को लेना, ये छाछ अमृत होते हुए भी जहर हो जाती है। जब पित्त के रोगी पित्त की अवस्था में या फिर पित्त के काल में एज इट इज उसको ग्रहण करें, तो सबसे पहले देखते हैं छाछ होती क्या है और उसका सेवन किसको करना किसको नहीं करना है, और उसको यदि सेवन किया जाए तो किसके साथ, किस पदार्थ के साथ उसका सेवन किया जाना चाहिए, और उसका औषधीय उपयोग भी है कि नहीं, वो सारी डिटेल हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। आप अंत तक जुड़े रहे ताकि छाछ के बारे में आपको A to Z नॉलेज मिल सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में। मुनि सुश्रुत ने तक्र का वर्णन, छाछ का वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया है, मंथनादि पृथक भूतम स्नेह अर्धो दकंतुयत, यानी कि एक तो विशेष प्रोसेस मंथन से बनाई जाए उसको छाछ कहते हैं, मंथन से नहीं बनाई है उसको छाछ नहीं कहते हैं, यानी कि उसके गुण छाछ के नहीं होते हैं। तो मंथन आदि पृथक भूतम, मक्खन को अलग करके उसके बाद आधे से ज्यादा पानी डालकर उसमें जो बनाई जाए वो छाछ कहते हैं। बाकी की छाछ नहीं है, बाकी कुछ और है, उसके गुण भी और होते हैं। हमने पूरी की पूरी डिटेल एक फाइल में तक्र के ऊपर पूरे ग्रंथों के रेफरेंस लेकर एक बहुत बड़ी फाइल बनाई है, लेकिन उसमें से थोड़ी चीज हम यहाँ पर बताते हैं। न अति सांद्रवम तक्रम स्वादु अम्लम तुवरम रसः, यानी कि तीन रस वाली, अति द्रव और अति पतली नहीं होनी चाहिए ऐसी छाछ होनी चाहिए। तीन रस उसमें मुख्य है, मधुर रस यानी मीठा, कसैला और अम्ल यानी कि खट्टा। ज्यादातर सूर्योदय के बनने वाली जो बाद में बनने वाली जितनी भी छाछ है वो अम्लता पकड़ लेती है, खट्टापन पकड़ लेती है, लेकिन सूर्योदय के आसपास के समय पर जो छाछ बनती है उसमें अम्लता कम होती है। तो एक बात याद रखिए, सूर्योदय से पहले बने बहुत उत्तम है, नहीं तो अंत तो गत्वा सूर्योदय के समय पर बन जाए तो ये उत्तम छाछ कहलाती है, उसके बाद मध्यम कहलाती है। ये पहली बात हो गई। अब उसका सेवन कब करना चाहिए उसके विषय पे सुश्रुत मुनि आगे कहते हैं, शीतकाले अग्निमान दिए च, मतलब ठंड की ऋतु में बहुत अच्छी है ये, अग्निमान दिए, अग्निमंद हो तब अच्छी है, कफोत्थेषु आमयेषु च, उसको विबद्ध करने के लिए बताया, कफ के रोगों में अच्छी है, मार्गा अवरोधे दुष्टे च, ये सभी बताया कि मार्ग का अवरोध हो, स्रोत जब बंद गए हो तब छाछ का रोग तक्रम तत्र प्रशस्यते, यानी कि छाछ का उपयोग कर सकते हैं। अब कोई भी बीमारी हो तो तक्र के ऊपर बहुत सारे प्रयोग, तक्र कल्प से लेकर तक्र के औषधीय उपयोग बहुत कुछ है, लेकिन आज हम थोड़ी बात करेंगे कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ की प्रशस्ति बहुत ग्रंथों में है कि छाछ ही एक ऐसा अमृत है जो पृथ्वी धरातल पर है लेकिन देवों को वो दुर्लभ है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी कि छाछ है वो इंद्र को भी दुर्लभ है। उसी तरह से तक्र सेवीनीय व्यथते कदाचित, यानी कि तक्र का सेवन करने वाला कभी भी व्यथा नहीं अनुभव करता है, कभी दुखी नहीं होता है, कभी रोगी नहीं होता है। इसके लिए आयुर्वेद में भी बताया है, भोजन आंते पिबेत तक्रम, हर दोपहर भोजन के बाद तक्र पीनी चाहिए। लेकिन एक यहाँ गलती हो जाती है, लोग रात को तक्र पीते है, भोजन आंते मानी दोपहर के भोजन के अंत में तो छाछ पीनी चाहिए, लेकिन भूल कर भी
रात के भोजन के बाद या रात को तक नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय जाता है छाछ खट्टापन पकड़ लेती है, उसमें अम्ल रस की वृद्धि होती है और उसके कारण वो पित्त को बढ़ाती है। रात को ली हुई छाछ अनेक प्रकार के रोग करती है। छाछ का एक गुण है वो खट्टापन है, वो गुण कभी कभी उसका दुर्गुण बन जाता है, कभी कभी उसका गुण बन जाता है। कैसे? चाणक्य जब जाते थे तब उन्होंने कुछ कांटे के वृक्ष देखे शिष्य को और उखाड़ने को कहा, और उखाड़ने के बाद उन्होंने वहां छाछ डाल दी। छाछ डालने के बाद वो वहां उगे नहीं, उसके पहले उगते रहते थे, लोग जाते रहते थे। लेकिन चाणक्य का ये सिद्धांत था, कोई भी बात को मूल से उखेड़ दो और ऐसी व्यवस्था करो कि फिर न उगे। मूल से उखड़ने के बाद भी वो उगता था, छाछ डालने के बाद वो नहीं उगा। बहुत सारी औषधियां ऐसी है जिसको छाछ डालने से वो नष्ट हो जाती है। अर्श नाम का रोग है पाइल्स, वो छाछ पीने से उसके मूल उखड़ जाते हैं। छाछ पाइल्स के लिए बहुत अद्भुत औषधि है, लेकिन ऐसी अमृत तुल्य औषधि जो अनेक प्रकार के गुण है, उसके पाचन के लिए बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन वो उष्ण काल में पित्त के रोगों में वो रोग वर्धन का काम कर देती है, वो नुकसान कर देती है। तो अभी शरद की ऋतु है, छाछ पित्त अम्लता बढ़ाती है, इसके लिए छाछ अभी नहीं पीनी चाहिए। इसके लिए गुजराती में कहावत है कि जो सावन महीने में ककड़ी खाता है और भाद्रपद महीने में जो छाछ पीता है उसको बुखार संदेशा दे देता है कि ताव संदेशो मोकले आज आऊ के काल, कुणी कुणी काकड़ी भादरवानी छाछ। यानी कि ककड़ी यदि बहुत छोटी छोटी होती है सावन भाद्रपद में आती है, वो कोई खा ले और कोई छाछ पी ले भाद्रपद महीने में, तो उसको बुखार अवश्य आएगा। अभी बुखार की सीजन है वायरल, तो आप भूलकर भी छाछ न पिए। लेकिन यदि छाछ पीनी पड़े तो कैसी पिए, उसके लिए हम बताते हैं। सुश्रुत मुनि ने आगे बताया है, वाते अम्लम ससैंधवम स्वादु पीते ससरकरम। यानी कि वायु के रोग में यदि पीनी है तो सेंधा नमक अवश्य डालें। यदि पीनी पड़े वायु के रोग में तो सेंधा नमक, पित्त के रोगों में पित्त की ऋतु में यदि पीनी पड़े तो उसमें थोड़ी सी खड़ी शक्कर डाल दे, खड़ी शक्कर का चूर्ण डाल दे। और पिबे तक्रम कफे स्वापी, यानी कि कफ के रोगों में उसको पीना पड़े तो त्रिकटु संयुतम, यानी कि सौंठ मरी और पीपली जैसे तीन जो त्रिकटु कहलाते हैं, और डालकर पिए। तो कफ के रोगों में, वात के रोग में, पित्त के रोग में किसके साथ सेवन करना चाहिए वो भी बता दिया। अब मानो कि छाछ आपको रोज सेवन करनी है तो क्या, मतलब छाछ के दुर्गुण भी ना आए और छाछ के पूरे लाभ मिले। छाछ के बहुत सारे लाभ है, यानी कि वर्ष में काम आती है, पाचन अच्छा करती है, वो हमारी पाचन क्रिया को सुधार करती है। बहुत सारे गुण है, सब गुण लेने हैं, लेकिन दुर्गुण नहीं लेना है तो क्या। इसके लिए भेषज्य रत्नावली नामक एक ग्रंथ में तक्रारिष्टम की फॉर्मूला दी गई है। तक्रारिष्टम तक्र से यानी कि छाछ से बनता है, तो छाछ के गुण है, लेकिन उसमें अलग अलग औषधियां डाली जाती है। उसका वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं। घड़े को जमीन में अंदर रख कर उसके अंदर जो प्रोसेस होती है और उसके बाद छाछ और अलग अलग औषधियों से तैयार होता है तक्रारिष्टम, वो तक्रारिष्टम आप कोई भी ऋतु में सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसके छाछ का परिवर्तन हो गया है। छाछ छाछ है भी, लेकिन छाछ का अम्ल गुण नाश हो गया। उसको अम्ल गुण नाश करने के लिए अलग अलग औषधि डाली, इसके लिए अम्लता चली गई। छाछ के तीन गुण थे, एक मधुर था, मीठा था, अम्ल था और कसैला था। कसैला होने से ही वो भोजन के अंत में पी जाती है और मधुर होने से ही वो शांति देती है और हमारे अनेक रोगों में काम आती है। तो इसके लिए तक्रारिष्टम आप शरद ऋतु में ले सकते हैं। नमस्कार।